सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पेमरा, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बेग साहब, उनके जो रफ़क़ा हैं, एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक मैकेनिज़्म बनाया है जिससे कि हम पूरे मीडिया को एक उस ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, और बड़ी मेहनत हुई है उसमें, और उसमें सारे एस्पेक्ट का ख्याल रखा गया है। इसका पेम्ब्रा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बड़ा अहम रोल अदा कर रही है, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि इंफॉर्मेशन का जो फ़्लो है वो बहुत फास्ट भी है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसको के हमने देखना होगा कि जो हमारे मुल्क के मफाद में है, जो हमारे आवाम के मफाद में, ऐसे कंटेंट को हम ला सकें या रोक सकें जो कि हमारी इंटरेस्ट में नहीं है। तो एक बड़ा मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि एक इतने अपने एहसन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, और हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसके साथ भी बुनियादी तौर पे एक हमने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है जिससे कि हम इनके तजुर्बात, इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उससे हम भी फ़ायदा ले सकें, और एक लाइन मिनिस्ट्री की हैसियत से हमारा जो रबता है और जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है, ताकि हम पूरी जो मीडिया का जो पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसको हम कवर कर सकें और इफ़ेक्टिवली आवाम को क्वालिटी की इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और जो भी कंटेंट है वो हमारे जो सकाफती और जो हमारी मजहबी, जो हमारी जो एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर हों, और ये वो इदारा नहीं है कि जो बस किसी भी चीज़ को सेंसरशिप के लिए या एक ऐसे चीज़ों को ब्लॉक करे जो कि उस पैरामीटर से बाहर हों। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ और भी बेहतर होगा, जो टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की है इन्होंने वो भी, उसकी जो फ़वाद हैं वो भी हमें हासिल होंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इदारा अपना पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरी इंटेग्रिटी के साथ एक ऐसा वो रखे, एक तरीक़ाकार रखे जिससे कि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो भी मुतमईन हों और जो पाकिस्तान के आवाम हैं वो भी मुतमईन हों।